हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों और मेरे भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू भर्ती हम लेकर आ चुके हैं। एक और बड़ी भर्ती आप सभी के लिए रहने वाली है डायरेक्ट, वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब आई है। नॉन टीचिंग की ये पोस्टें रहने वाली है, मेरी बहनों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली है। ऑफिस वर्क रहने वाला है, यूनिवर्सिटी के अंदर ये जॉब रहने वाली है। हरियाणा का कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। सभी बहनें इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना, बिल्कुल डिटेल से सारे जानकारी दूंगा। अगर आपके छोटे भाई की वीडियो अच्छी लगती है तो सभी बहनें वीडियो को लाइक करें, सभी भाई और बहन वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। भाई और बहनों, आपके लिए इसी प्रकार से जो भी अपडेट्स आते रहते हैं कंटिन्यू हमारे चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। अगर अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले भर्तियों के हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और हर एक भर्ती की जानकारी आपको मिलती रहेगी। साथ में अगर कोई भाई और बहन हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाह रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है। वहां पर भी जो भी भर्ती आती रहती है सभी की जानकारी आपको दी जाती है। तो टेलीग्राम ग्रुप भी अपनी इच्छा अनुसार जो भी ज्वाइन करेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक डाल रखा है, वहां से जाके ज्वाइन कर लेना। और आज की बड़ी भर्ती क्या रहने वाली है, यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट जॉब आई है, नॉन टीचिंग पोस्ट रहने वाली है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, फॉर्म की फीस क्या लगेगी, सिलेक्शन किस प्रकार से दिया जाएगा, आपको एक एक बातें हम डिटेल से बताएंगे। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, ओके। मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, इसका ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी के सामने हमने ओपन कर दिया, जिसके अंदर क्या रहने वाला है, द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी आप सभी के सामने, इग्नू, आप सभी ने नाम सुन रखा होगा, इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर ये जॉब आई है। तो इसका फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना होगा, ये बातें ध्यान से सुनना। जिसकी स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है, 10 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होने वाला है, लास्ट डेट आपकी रहेगी 8 अगस्त। 8 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज आपकी क्या होनी चाहिए ये भी बताएंगे। एग्जाम डेट कोई भी आएगी वो आपको न्यू वीडियो के द्वारा पता चल जाएगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो वहां पर भी अपडेट आपको दे दिया जाएगा। तो इस भर्ती के तो स्टार्टिंग डेट है अभी फिलहाल में 10 जुलाई से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट आपकी 8 अगस्त इसमें रखी गई है। एज आपकी क्या होनी चाहिए और फॉर्म की फीस किस प्रकार से लगेगी आपके, फॉर्म की फीस आपकी एक साथ में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी कैंडिडेट होंगे 1000 रुपए उनको पे करना पड़ेगा। एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और जो भी मेरी बहन अप्लाई करेगी उसकी 600 रुपए फीस देनी होगी। पर कैंडिडेट की ये फीस रहने वाली है 600 रुपए पर कैंडिडेट की फीस है। ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक डाल रखा है, वहां से भी जाके भर लेना, पूरी डिटेल्स आप खुद भी चेक कर सकते हैं। जिसके अंदर आपकी एज क्या होनी चाहिए, 18 से लेकर 37 साल तक के जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं सभी कर सकते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट जो भी लगना चाहेगा या मैनेजर लगना चाहेगा वो 42 साल तक अप्लाई कर सकता है, 18 से लेकर 42 साल तक। अगर इससे भी ज्यादा आपको छूट चाहिए तो इसके गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से जो रिलेशन मिलता है वो भी आपको दिया जाता है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक डाल रखा है, वहां से आप खुद चेक करें, बिल्कुल आराम से आपको हर एक छूट मिल जाती है। इसके आगे हम बात कर लेते हैं कि ये फीस भी आपको पता चल गया, एज भी आपको पता चल गई, टोटल पोस्ट इसमें 12 आ रखी है। किस प्रकार से पोस्ट आ रखी है, टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है जिसके अंदर असिस्टेंट किस प्रकार से रहेंगे, LMS होना चाहिए, डाटाबेस का होना चाहिए, मैनेजमेंट आना चाहिए, ऑनलाइन एडमिशन का ज्ञान होना चाहिए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें आपको करना है। इसमें पोस्ट डाल रखी है अलग-अलग के हिसाब से। अगर आप डाटाबेस का काम कर सकते हो, टेक्निकल असिस्टेंट लग सकते हैं, मैनेजमेंट में लग सकते हैं, ऑनलाइन एडमिशन कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं, जिसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, MCA प्लस में आपने कोई भी MCA की डिग्री कर रखी है, BTech की कर रखी है, BA कर रखा है IT से, अगर आपने MSc कर रखी है कंप्यूटर साइंस से तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी मेरी बहनें ऐसी मिल जाएंगी जो कंप्यूटर साइंस से MSc वगैरह कर रखी है, उन बहनों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली है। तो ये सबसे पहले आपको अपडेट हमारे चैनल पर इसी टाइप से मिलता है, जो भी भर्ती आती है कंटिन्यू आपको बताए जाते हैं। अगर अभी तक भी आपने छोटे भाई का यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी भाई ने यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लिए जो भी आंगनबाड़ी विभाग की भर्ती आएंगे, आपके गांव शहर के अंदर कोई भी कोर्ट की भर्ती आएगी, कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर भर्ती आएगी, कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट की भर्ती आएगी, सारी की सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर आपके फैमिली में कोई भी लगना चाह रहा है, कोई इच्छुक स्टूडेंट है, उनको भी इसी प्रकार से सभी अपडेट्स मिल जाएंगे, उनका भी आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करवा सकते हैं। ये पोस्ट तो रहने वाली है टेक्निकल असिस्टेंट के। इसके आगे हम बात करेंगे कि टेक्निकल असिस्टेंट जो वेब डिजाइनिंग होगा, ग्राफिक का होगा, उसके लिए आपको MCA आना, MCA पास कोई भी डिग्री हो, BTech हो, BA, MSc वगैरह कंप्यूटर साइंस का सेम आपका क्वालिफिकेशन है, आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल मैनेजर के लिए भी आप पोस्टें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 12 पोस्टें आ रखी है इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर, डायरेक्ट आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। जल्दी से सभी भाई और बहन अपना फॉर्म लगाइए, कुछ भी चीजें
समझ में नहीं आती अपने छोटे भाई के पास में मैसेज कीजिए, क्योंकि भाई और बहनों जो भी हमारे चैनल पर आपको जानकारी दी जाती है 100% रियल जानकारी, स्टिक जानकारी दी जाती है, सारी की सारी जानकारी मिलेगी। अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हरियाणा का एकमात्र ऐसा ऑफिशियल अपडेट चैनल है, जो भी जानकारी आएगी सारी की सारी आपको ऑफिशियल दी जाएगी। आपके जिले, आपके शहर, आपके गांव के अंदर जो भी डीसी रेट जॉब आती है, कोई भी कौशल रोजगार निगम की भर्ती आती है, वो भी हमारे चैनल पर आपको रेगुलर मिलती रहती है। इसका कि हम बात कर लेते हैं कि आपका ये चीजें तो पता चल गई, हाउ टू अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, इतनी देर से मैं आप सभी को यही चीजें बता रहा हूं। ऑनलाइन फॉर्म भरना है, जॉब लोकेशन आपके हरियाणा में रहेगी, और इसके आगे जो भी आपका सारी डिटेल्स वगैरह मांगेगा, पोर्टल पर जाएंगे तो आपका जो बेसिक डिटेल्स होगा, नाम, गांव वगैरह, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज फिल करने होंगे और आपकी ऑनलाइन पेमेंट कर देनी होगी। उसके बाद में कोई भी एग्जाम डेट आएगी, किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, कोई भी इनका नोटिफिकेशन आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप फॉर्म अप्लाई किया करो, क्योंकि आपको पता रहता है कि आप सभी सोचते होंगे सर हमें तो बाद में ये चीजें पता नहीं चल पाती है कि किस प्रकार से आपका एग्जाम होगा, किस टाइम एग्जाम होगा, एडमिट कब आते हैं। तो भाई और बहनों इसीलिए हम सभी के लिए जो भी अपडेट्स आते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बताते रहते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहां पर जो भी जानकारी आएगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। आराम से आप अपना एडमिट कार्ड भी निकाल पाएंगे, एग्जाम भी दे पाएंगे और हर एक नोटिफिकेशन की आपको जानकारी मिलती रहेगी। जिसके आगे हम बात कर लेते हैं कि सैलरी जो पोस्ट वाइज के हिसाब से जो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि सैलरी जो मिलती है वही आपको सैलरी मिलेगी। इग्नू यूनिवर्सिटी के अंदर ये डायरेक्ट जॉब आई है, जिसके अंदर सिलेक्शन आपका रिटन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, इसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं हरियाणा से, सभी के सभी अप्लाई कीजिए और आगे आने वाले हर भर्ती का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सभी भाई और बहन वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।